हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल शिबीज क्रिएटिव कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा ही है, आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का थीम क्या है। जी हाँ, ये डॉट मंडला आर्ट है। तो आज के वीडियो में मैं इजीएस्ट वे में आपको डॉट मंडला आर्ट बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने कई टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे कि आपको मंडला आर्ट बनाने में आसानी होगी। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 12 इंच का सर्कुलर MDF बोर्ड लिया है। इसकी थिकनेस 3 mm है। अब इसके ऊपर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का 2 कोट कर रही हूँ, और क्योंकि जब आप 2 कोट करते हैं तो काफ़ी अच्छी फिनिश आती है, देखने में कोई भी आर्ट ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इस पे मैं 2 कोट कर रही हूँ। 2 कोट जब पूरा हो जाएगा तो मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। मुझे ब्लैक बेस पे ये मंडला आर्ट बनानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया। आप किसी और भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ये ड्राई हो गया है, और अब हम इस पर इसका सेंटर ढूंढेंगे। इसका सेंटर कैसे निकालते हैं? आपको एज पे कंपस रख के उसको मतलब पूरा ओपन करना है। तो पेंसिल से आपको 4 मार्क्स बनाने हैं। जो बोर्ड है ना MDF बोर्ड, उस पर 4 कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए रैंडमली, और उससे 4 मार्क्स बनाइए, 4 लाइंस बनाइए। तो सेंटर के पास आसपास 4 सेक्शंस बन जाएंगे, 4 लाइंस बन जाएंगी। उन लाइंस के बीच उन जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उन कॉर्नर्स को आपको ज्वाइन करना है। उनको ऐसा बनाना है चारों लाइंस की वो एक दूसरे को कट करें, और उसके बाद उसका एक दोनों कॉर्नर्स उसके ज्वाइन करने हैं। तो जब आप चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे तिरछा तिरछा टेढ़ा टेढ़ा, तो बीच में आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। दैट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस बोर्ड। तो उस सेंटर पॉइंट पे अब आपको कंपास रखना है, कंपास की जो निब होती है वो रखनी है, और पेंसिल से आपको साइड में सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। 3 इंच का मेरा मिरर है, जो एक्रेलिक मिरर मुझे बीच में पेस्ट करना है। दैट मिरर इज़ ऑफ 3 इंचज़। तो मैं 3 इंचज़ का सबसे पहले एक सर्कुलर मार्क बनाऊंगी पेंसिल की हेल्प से। उसके बाद फिर मैं आउटर 3-4 और मार्क्स बनाऊंगी जहां मुझे अपने पैटर्न को ड्रॉ करना है। तो अब जब ये सारे मार्क्स बन गए, सारे मार्क्स बनने के बाद जो सेंटर में एक बड़ा 3 इंचज़ का एक्रेलिक मिरर लगाया है, आप चाहें तो छोटा मिरर भी लगा सकते हैं। और मिरर जो ये एक्रेलिक मिरर जो है ये कांच से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि आप जो ये जो होता है ना, लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है और थिन होता है, और आप इसको इजीली कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक लीफ होती है, पतली सी पन्नी जैसी लगी होती है। उसको जब आप पूरा वर्क अपना कंप्लीट कर लें तो उसको हटा दें। मैंने हटाया नहीं है अभी अपने आर्ट में, मैंने थ्रू आउट आर्ट उसे लगे रहने दिया है, क्योंकि जब आप उसको रिमूव कर देते ना, मैं रिमूव करके उसको रख दूंगी तो फिर उसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको रिमूव नहीं किया। मिरर का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो मिरर है ना, इसको मुझे सेंटर में चिपकाना है। तो मैं चिपकाने के लिए मेरे पास देखिए ये बॉन्ड XP है, मैं इससे ही मिरर चिपकाती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, इससे जल्दी निकलता नहीं, बहुत अच्छा एडहेसिव है। और इससे मैंने 1-2 बार और मिरर चिपकाए हैं, वो अभी तक तो नहीं निकले, उनको काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुका है उसको चिपकाए हुए, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। आप तो फेविकॉल SX का यूज़ कर सकते हैं, फेविबॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे यूज़ कर सकते हैं। चिपकने से मतलब है बस। तो ये देखिए, आपसे बात करते करते मेरा मिरर देखिए अच्छे से चिपक गया है। मैं काम करती रहूँगी और ये ड्राई होता रहेगा। अब चलते हैं आगे का काम करेंगे। और आगे का काम क्या करेंगे बताती हूँ क्या करेंगे। तो आप देखिए, ये मेरे पास 2 तरह का मंडला टूल्स हैं मेरे पास, आपको शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मैं आर्ट बनाती हूँ इन्हीं मंडला टूल के हेल्प से बनाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास 2 टाइप के मंडला टूल्स हैं। जो भी मैं आर्ट वर्क करती हूँ, मंडला टूल का जो भी काम करती हूँ, लिपन में करती हूँ या कार्डबोर्ड पे, मैंने बहुत सारे पीसेस बनाए हैं। तो जो भी मैं आर्ट वर्क करती हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे मंडला के और लिपन के जो काम है ना, उसमें मंडला वर्क का मैंने यूज़ किया है। इन सारे इसी सारे टूल्स से के हेल्प से मैं उनको बनाती हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो वो भी वीडियोस चेक जरूर करिएगा। मैं लिंक्स उन सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा।
तो ये जो मेरे पास टूल्स हैं इसके, ये जो 5 इसमें के हैं और 5 इसमें के हैं, 5 थोड़े मोटे साइज़ के हैं, जहाँ बड़े हमको डॉट्स की ज़रूरत होती है तो मोटा साइज़ वाला यूज़ करती हूँ, अगर छोटे डॉट्स की स्मॉल डॉट्स की यूज़ होती है तो मैं ये छोटे वाले यूज़ करती हूँ। दोनों ही बहुत कन्वीनियंट है, जो बड़े वाले वो भी आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, जो छोटे वाले हैं उनको भी आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। इनको इजीली वॉश कर सकते हैं, इन टूल्स को आप पेंसिल की तरह पकड़ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं टूल्स की हेल्प से मैं मैंडला डॉट्स बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आर्ट कैसा बना है। इन मंडला टूल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको कुछ परचेज करना है तो आप उस लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं। अब जो मैं डॉट्स बनाने जा रही हूँ वो उसको देखिएगा कैसे बना रही हूँ। तो अब जो फर्स्ट राउंड में ये सर्कल के किनारे मैं फर्स्ट राउंड बनाऊंगी, तो उसको बनाने के लिए मैंने फेविक्रिल के पर्ल कलर्स लिए हैं। फेविक्रिल के जो ये पर्ल कलर्स होते हैं, ये बहुत शाइनी कलर्स होते हैं, आप इनको जब यूज़ करते हैं ना किसी भी कैनवस पे तो वो शाइन करते हैं लाइट में, तो पर्ल के जैसा लुक देते हैं बेसिकली। तो इसमें मेरे पास 6 कलर्स का एक सेट है फेविक्रिल का, तो उसमें से मैं पर्ल वाइट कलर का यूज़ करूँगी। वैसे तो ब्लैक कैनवास पे सारे ही कलर अच्छे लगते हैं, पर क्योंकि हमारी थीम जो है, वो जो थीम मैं बना रही हूँ उसमें ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स का मैंने यूज़ किया है, थोड़ा येलो भी यूज़ किया है, थोड़ा पिंक भी यूज़ किया है, तो कुल मिला के इन्हीं सारे कलर्स का यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द कलर्स जो मैंने यूज़ किए हैं दे आर पर्ल कलर्स ओनली। तो एक दो जगह मैंने लाइट, जहाँ शेड्स की ज़रूरत थी तो शेड्स पे मैंने नॉर्मल एक्रेलिक कलर मिलाया है, अदरवाइज सब जगह पर्ल कलर्स ही यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टिव कलर्स ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ ब्लू का डिफरेंट शेड यूज़ किया है। और देखिए ये मैंने सर्कल बना लिया, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है, कैसा बना है। तो दो लाइंस मैंने पर्ल वाइट कलर की बनाई है, देन एक लाइन येलो कलर की बनाई है। तो जो मेरे सर्कल, जो मैंने डॉट्स है ना, वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, आप देखेंगे एक पैटर्न है उन डॉट्स में। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, जैसा भी पैटर्न बनाना चाहें आप उसको डॉट्स का यूज़ करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 लाइंस बनाई हैं वाइट पर्ल शेड की, वाइट पर्ल कलर की, उसके बाद एक येलो कलर का शेड बनाया है, येलो कलर के डॉट्स पर पिंक डॉट्स लगाए हैं, और ये सारे पर्ल कलर ही हैं तो जो लाइट में शाइन करते हैं। अब येलो कलर के बाद मैंने स्मॉल साइज़ के मिरर्स लगाए हैं, ये मिरर्स लगाने के बाद मैंने अगेन 2 लाइन पर्ल कलर की बनाई है, पर्ल वाइट कलर की बनाई है, और इसी तरह से छोटे से बड़ा बनाते चले जाना है। ब्लू वाले पैटर्न का पूरा होने के बाद, ये देखिए धीरे धीरे पैटर्न मैं पूरा कर रही हूँ, येलो कलर का जहाँ भी मैंने यूज़ किया है उस पर रेड डॉट्स ज़रूर लगाए हैं, लास्ट वाले सर्कल में मैंने नहीं लगाए हैं लेकिन फर्स्ट 2 सर्कल्स में मैंने लगाए हैं। तो इसी तरह से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा, और लास्ट में मैंने जब ये ब्लू वाला पैटर्न पूरा हो गया तो उसके बाद मैंने स्क्वायर शेप के मिरर्स लगाए हैं और अगेन पर्ल डॉट्स बनाए हैं, पर्ल येलो डॉट्स बनाए हैं। अब इन डॉट्स के किनारे पर्ल येलो पर्ल वाइट जो होता है, वाइट पर्ल कलर, उससे धीरे धीरे से मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, फिर ब्लू के डार्कर शेड का यूज़ करके मैंने पैटर्न्स बनाए हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा ये जो डॉट्स का पैटर्न है ये फिनिश हो गया। आपको देखेंगे तो आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको पैटर्न्स बनाने हैं, बड़े से छोटा बनाना है ताकि एक पैटर्न दिखाई दे, और उस पैटर्न को धीरे धीरे फिनिश करते चले जाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपका आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो देखिए ये पूरा आपसे बात करते करते फिनिश हो गया। लास्ट में जितना भी एक्रेलिक कलर का वर्क है उस पर एक वार्निश का कोट जरूर करिएगा। मैंने मिरर को बचा के थोड़ा किया है क्योंकि मैं मिरर लगाती चली गई थी, साथ साथ डस्ट होता है ना तो उससे आपका आर्ट पीस ख़राब हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए आपको करना है। और मैं स्प्रे वाला नहीं यूज़ करती, ब्रश से यूज़ करती हूँ, तो वो मिरर को बचा के मैंने कर लिया था। तो आर्ट पीस अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे मेरे जो अदर वीडियोस हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। मंडला वर्क के अदर वीडियोस हैं उनको देखकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।